आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। थाना लोहामंडी क्षेत्र के जयपुर हाउस में उस समय हड़कंप मच गया जब शातिर बदमाशों ने ताला चटकाकर चोरी की वारदात को अंजाम दे डाला और मौके से फरार हो गए। घटनाक्रम की जानकारी मिलते ही इलाके थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। भीषण गर्मी के साथ साथ शहर भर में चोरी की वारदात और ग्राफ में भी लगातार इजाफा हो रहा है। ताजा मामला जयपुर हाउस का सामने आया है। आपको बता दें कि बीती रात बेखौफ बदमाशों ने जयपुर हाउस स्थित मकान नंबर 58 को अपना निशाना बनाया और घर के ताले चटका चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। घटनाक्रम की जानकारी होते ही एसपी सिटी विकास कुमार पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गए, पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गए। लोहा मंडी क्षेत्र अंतर्गत जयपुर हाउस में सुरेंद्र अरोड़ा जी का मकान है और यहां पे अभी पुलिस मौजूद है और हमने अभी हमें ये ज्ञात हुआ कि यहां पे चोरी हुई है। ये लोग शनिवार से गए हुए हैं हरिद्वार और इनके नीचे के पोर्टल में लोग रहते थे और वहाँ पर चोरी हुई है। ऊपर से पोस्टल में इनकी नौकरानी और उनके हस्बैंड सोया करते थे, तो उनसे पूछताछ बता रहे हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है। पूरे घटनास्थल का मुआयना किया जा रहा है और जो कुछ भी सामने आएगा आपको अवगत कराया जाएगा। अभी कितना का चोरी हुआ है, क्या चोरी हुआ है, इनके द्वारा कुछ बताया नहीं जा सका है क्योंकि इनके परिवार वाले यहाँ मौजूद हैं, वो खुद यहाँ मौजूद नहीं हैं। उनके द्वारा दी गई दी जाने वाली तहरीर मुकदमा लिखा जाएगा और इसकी देखना नहीं, ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है और जहाँ तक लोग मौका मुआयना कर रहे हैं और इनका कहना है किसी अंदर वाले के मिलने का आशंका जताया जा रहा है, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। जयपुर हाउस में चोरी की व्यवस्था नहीं, जितनी भी घटनाएँ हो रही हैं सबको खोला जा रहा है और ये भी घटना खुलेगी और पुलिस सुरक्षा की व्यवस्था है और दिन रात पुलिस गश्त। लोग बाहर गए हुए थे और अपने दो नौकर ऊपर की मंजिल में छोड़ गए थे, नीचे से उनके कुछ जेवरात जंगला तोड़कर हुए हैं और इसमें काफ़ी हद तक जो संलिप्तता है, जो उनके जो नौकर हैं उन्हीं की संलिप्तता प्रथम दृष्टया दिखाई दे रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है, बहुत जल्दी इस केस को वर्कआउट किया जाएगा। देखिए अभी उनमें से कोई भी नहीं आया है, जिनकी चोरी हुई उनकी कोई नहीं आया है, तो जब वो तहरीर देंगे और अपना हिसाब का बताएंगे तब उसके बारे में बताएंगे कितने की चोरी है। एसपी सिटी विकास कुमार ने बताया कि समय पूरा परिवार हरिद्वार दर्शन को गया हुआ था, घर पर सिर्फ नौकर ही मौजूद था। पुलिस ने शक के आधार पर नौकर को हिरासत में लिया है, जिससे पुलिस पूरे मामले की पूछताछ में जुटी हुई है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से मुकेश ठाकुर की रिपोर्ट।